खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भगवा की अपेक्षा धर्म को धारण कीजिए, भगवा को भोग का प्रतीक मत बनाइए सत्ता की भोग का। मैं बताना चाहता हूं, जब भगवान प्रभु श्री राम ने भगवा धारण किया उसके मायने क्या थे। उसके मायने थे कि वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तजकर वन में गमन कर जाना। जब भगवान शंकर भगवा के प्रतीक के रूप में ध्वजा को थामते हैं तो उसका अर्थ है कि सृष्टि को बचाने के लिए कंठ में विष को धारण कर लेना। भारतीय जनता पार्टी विश्व वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैला करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न आता है तो चीर को प्रदान कर देने का अर्थ भगवा और धर्म को धारण करना है, चीर हरण कर लेना नहीं, संसाधनों का चीर हरण। मैं जवाब लेती हूँ सर। देखिए, प्रियंका गांधी ने जो बात कही, पहले मुझे एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये महामंडलेश्वरों का डिबेट है या एनआरसी और सीएए पे आपने डिबेट बुलाया है? आप मुझे पहले ये बताएं। साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए। साहब, ऐसा नहीं, रुकिए, अब लास्ट में पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे फोन किया था, ये नहीं कहा था कि धर्म शास्त्रार्थ होगा? कई कई पे मंथरा पे शास्त्रों के ऊपर, और राम जी वस्त्र कैसे, कृष्ण जी ने वस्त्र दिया था, गरल किसने पिया था, वो फिर मैं किताब हमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका दीदी दोनों महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं, बिल्कुल जाएं।